बड़ी खबर हम बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को यह सजा सुनाई गई है। माफिया अतीक अहमद को आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उमेश पाल अपहरण में आपको बता दें, तीन जो आरोपी हैं उन्हें दोषी करार दिया गया है, सात को बरी किया गया है। अतीक अहमद को उम्र कैद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और किस तरह की गहमा गहमी इस वक्त कोर्ट के अंदर चल रही है, आपको हम लगातार बता रहे हैं। ये 17 साल पुराना मामला है, 2006 का ये मामला है उमेश पाल के अपहरण का, जिस संबंध में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद को, जो कि एक वक्त में विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और माफिया रहे हैं, उनको आजीवन कारावास की उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है, दोषी करार दिया है। तीन आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, सात बरी हो चुके हैं। कुल 11 आरोपी थे जिसमें से एक की मौत हो गई थी और अब ये कोर्ट का फैसला आ गया है जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है अतीक अहमद को। आपको बता दें 2005 में डीएसपी के जो विधायक थे राजू पाल, उनका जो मर्डर हुआ था उस केस में मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उनके अपहरण से जुड़ा ये पूरा मामला था। हालांकि उमेश पाल अभी फरवरी के महीने में उनकी हत्या कर दी गई थी, उसमें भी अतीक अहमद का नाम आरोपी के तौर पर आ रहा है, लेकिन आज जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है वो अपहरण से जुड़ा पूरा मामला था। 2006 का ये मामला था जिसमें उमेश पाल का अपहरण किया गया था, मारपीट की गई थी और उसके बाद ये केस दर्ज किया गया था उमेश पाल की तरफ से, जो छूटने के एक साल बाद ये अपहरण का केस उन्होंने दर्ज किया था, जिसके बाद इस केस में अब सजा का ऐलान हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट, जो प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट है, उसने अपना फैसला सुनाया है, अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लगातार हम सुन रहे थे जिस तरह से उमेश पाल का परिवार मांग कर रहा था कि, क्योंकि उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई, गनर्स की भी हत्या हो गई और ये 2005 में एमएलए राजू पाल मर्डर केस का मुख्य गवाह था उमेश पाल, उस दिन फरवरी के महीने की बात है जब उसकी ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी और ये आखिरी दिन था उसकी गवाही का, जब वो गवाही से वापस लौट रहा था तब उसकी हत्या को अंजाम दिया गया था। अजय सिंह प्रयागराज की इस कोर्ट में ही मौजूद है, लगातार पल पल की जानकारी वहां से दे रहे हैं। अजय जी बताएं, कोर्ट ने क्या कुछ कहा? अशरफ सहित बाकी सात आरोपियों को दोषी करार दिया गया। तो अजय सिंह वहां पर मौजूद है, काफी गहमा गहमी है, काफी शोर है, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है। और अब से कुछ ही पलों पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें अतीक अहमद को आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, बताएं कोर्ट की तरफ से फैसले में क्या कुछ कहा गया है, क्या धाराएं लगी हैं? देखिए, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जिस तरीके के दिख रहे हैं कि जो इसमें 11 लोग उसमें जो थे, जो कन्विक्ट थे, जिनको इसमें पूरा मामले में थे, 11 में एक की डेथ हो चुकी थी, तीन जो थे वो जेल में बंद थे, अतीक अहमद, अशरफ और फरहान, जिनको लाया गया था यहाँ पर, लेकिन बाकी के और जो लोग थे वो जमानत पर छूटे थे। अभी जो फैसला आया है उसमें तीन लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें दिनेश पाशी एक है और दूसरा एक खान सौलत हनीफ करके एक एडवोकेट है, उनका है नाम है, और एक जो है वो अतीक अहमद है। ये तीन नाम अभी सामने निकल करके आए हैं जिनको कि फैसला दिया गया है। अभी फैसला पूरी तरीके से लिखाया जा रहा है। इसमें ये भी है कि आजीवन कारावास की सजा दी गई है और जुर्माना भी कुछ लगाया गया है इनको लेकर के, एक जुर्माना भी इसमें तारीख किया गया है। तो ये एक अभी का जो फैसला है वो निकल करके अभी ये सामने आया है और इस तरीके से जो है ये पूरे मामले में जो एक कयास लगाया जा रहा था, अशरफ को लेकर के कयास लगाया जा रहा था, वो अशरफ को इसमें बरी किया गया है। उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि जिस समय ये कांड हुआ था उस समय शायद अशरफ जेल में था, वो यार बाहर नहीं था। ये एक्चुअली न्याय की प्रक्रिया के जरिए दोषियों को, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। अजय जी, तो यहाँ कोर्ट से लगातार हम देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, आप बता रहे हैं कुछ जुर्माना भी यहाँ पर लगा है और अशरफ जो है उसको बरी कर दिया गया है, आप अपनी बात पूरी करें।
जगह से जूता की नाला बना करके लिए है। ये उमेश पाल के पूरे परिवार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वकील जो हैं, क्योंकि वो अधिवक्ता थे, उमेश पाल खुद वकील थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उनका परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है कोर्ट में। अजय सिंह हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद है, कोशिश करेंगे यहाँ पर जो परिवार है उमेश पाल का, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है इस फैसले के बाद। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें, 17 साल पुराना यह मामला है। 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उमेश पाल वही शख्स है जो कि 2005 में एमएलए राजू पाल केस का मुख्य गवाह था। और ये जो फैसला कोर्ट ने आज सुनाया है, उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था उस संबंध में फैसला सामने आया है, जिसमें अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 3 दोषी इसमें बताए गए हैं, बाकी 7 को बरी कर दिया गया है। 1 आरोपी की इस पहले ही मौत हो चुकी दिया है। अगर आजीवन दिया है तो यही हुआ होगा जिन पे दोष सिद्ध कर दिया है। सर ऐसी बात भी सामने आ रही है, 14 साल अगर लिखा होगा जजमेंट में तो जरूर हुआ होगा। आप ही इंटरव्यू दे रहे हैं सर, अतीक को क्या वापस साबरमती शिफ्ट करने की भी बात है? देखिए ये डिपेंड करता है, बिकॉज इट वॉज सुप्रीम कोर्ट हु हैज ऑर्डर्ड फॉर द शिफ्टिंग। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिफ्टिंग का ऑर्डर दिया था। अब बीच में क्या चीज कहां हुई है ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर है जहां से आपने वारंट्स लिया है, वारंट्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो फिर आपको फिर वहीं पे दिया जा सकता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। सर अशरफ को इक्विटल कैसे देखते हैं? देखिए ये आप लोग बताने की जरूरत नहीं है, जो हत्याएं हुई हैं, इक्विटल वाटरटाइट केस नहीं था, साक्ष्य नहीं मिले होंगे इसीलिए हुआ है। हो सकता है सरकार इसको अपील में चली जाए, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो बिफोर द ऑनरेबल हाईकोर्ट अगेंस्ट द इक्विटल ऑर्डर।